किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। कॉलेज लाइफ हर इंसान की जिंदगी में कुछ यादों भरे दिन लेके आती है। हर इंसान कॉलेज लाइफ को सबसे ज्यादा एंजॉय करता है और मैंने भी अपने दोस्तों के साथ कई सारे बंक मारे और उन पलों को जिया जो चाह कर भी अब कभी वापस नहीं आ सकते। सो जिन लोगों ने डिग्री कॉलेज बारामूला से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, शायद ये व्लॉग देख के उनकी कुछ यादें ताजा हो जाएं। सो एंजॉय माय व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स। हमारा लास्ट बीएड का पेपर है और सभी इस टाइम डिस्कशन कर रहे हैं। पूरा डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है इस टाइम और चेहरे बहुत ही खुश लग रहे हैं। एक उम्मीद की लहर दौड़ गई है इनके अंदर क्योंकि आज इनका लास्ट पेपर है। 10 पेपर दे के इनकी बुरी हालत हो चुकी है। चलिए करते हैं बात इनसे।
और जानते हैं इनको कैसा लग रहा है आज यहाँ। करते हैं इनसे बात और जानते हैं इनको आज कैसा लग रहा है। आज लास्ट पेपर है इनका बीएड का, तो चलिए करते हैं बात। पहले जाहिद साहब से हम बात करेंगे, इनको कैसा लग रहा है आज? जाहिद साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा है और चलो आज आज़ादी मिल जाएगी हमें इंशाल्लाह। चलो ठीक है, वो टेंशन नहीं। जाहिद साहब से आपने सुन लिया, अब मुझसे साथ हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, आज हमें आज़ादी मिल रही है एग्जाम से, अब इंजॉय करने का मौका मिलेगा यार। वसीम, व्हाट अबाउट यू? खुश है, उदास है? मुझे लग रहा है उदास है, क्योंकि कॉलेज अब नहीं आना है ना। इरफान, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आप जब सुबह यहाँ गेट से अंदर आए तो मैं देख रहा था आपका चेहरा बहुत ही खुशी से खिल रहा था, इस खुशी का राज क्या है? लास्ट पेपर है, इसी वजह से। इसी वजह से आप तो देख लीजिए आप। पेपर देने के लिए आए हैं। अल्लाह का करम और एहसान रहा हम पे के जो हमने पिछले 9 पेपर्स यहाँ पे बीएड के दिए, बहुत ही अच्छे हुए पेपर, और आज हम आखिरी पेपर यहाँ देने के लिए अपने यहाँ बारामूला गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में पहुँचे हैं आके। अब हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, लास्ट पेपर है। इंशाल्लाह आखिरी पेपर के बाद हम फिर आपसे मिलेंगे और फिर हम आपसे बात करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि आज का एग्ज़ाम हमारा कैसा रहा और ओवरऑल हमारा ये बीएड का एग्ज़ाम किस हिसाब से रहा और कैसा रहा, ये हम आपको बता देंगे। हमने पढ़ा कुछ नहीं, लेकिन एंजॉय बहुत किया अपने फ्रेंड्स के साथ। आज लास्ट पेपर है तो पेपर्स भी वैसे ठीक ही हो गए, तो अब देखते हैं उसके बाद बात करेंगे पेपर कैसा हुआ हमारा। बाकी आपको पता है राशिद भाई कितना एंटरटेन करता है, हमें बहुत मज़ा आया इसके साथ, इसकी वजह से। बाकी चलो करो आप इसके साथ बात। आज हमारा लास्ट पेपर है, अभी स्टार्ट होने को टाइम है। हमारे जो भी पेपर हुए वो बहुत अच्छे हुए, और अभी एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कि हमारा ये लास्ट पेपर कैसा हुआ, और जो फाइनली जो 8-9 पेपर हुए हैं वो बहुत अच्छे होंगे और खुश फील करेंगे जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसके बाद। और राशिद भाई को थैंक्स कि इसका व्लॉग जो है वो बढ़िया चल रहा है, पॉपुलर हो रहा है पूरे कश्मीर में, पूरे वर्ल्ड में। पेपर टाइम आ चुका है, बहुत ही चेहरे उदास लग रहे हैं यहाँ पे इस टाइम सबके। जाहिद का चेहरा भी देख लीजिए, बहुत ही उदास लग रहा है। ये वसीम तैयारी, पूरी तैयारी के साथ, जोरों शोरों के साथ, और हमारा इरफान साहब पर्चियां निकालने की तैयारी में, फोन की तैयारी वारी पूरे से कर रहे हैं वो, कहीं से अगर कोई मौका मिल गया तो। Come
far apart, but it never took away my